हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ ट्रैवलिंग डाइटिशियन और आज हमारी कश्मीर ट्रिप का डे टू और इवनिंग है। आपने देखा मेरे पिछले व्लॉग में हम गुलमर्ग से लौटे थे और अभी हम हैं घाट नंबर 1 निगिन लेक में। आज का हमारा स्टे है हाउस बोट में। तो हम यहाँ निगिन लेक में अपनी शिकारा का वेट कर रहे हैं। आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, आप देख सकते हैं कितनी लहरें उठ रही हैं निगिन लेक में, और इसीलिए हमारी जो हाउस बोट जो कि वांगनू शिराटन हाउस बोट है, उन्होंने जो शिकारा भेजा था वो थोड़ा लेट हो गया। फाइनली हम पहुंचे अपनी बोट पे और हमने किया चेक इन इवनिंग में 5 जून को। वांगनू शिराटन हेरिटेज हाउस बोट जो हैं वो सुपर डिलक्स कैटेगरी में आती हैं। आप देख सकते हैं हाउस बोट में बाहर का जो वरांडा है या पोर्च एरिया कह लीजिए, कितना ब्यूटीफुल है। और ये है इनका लिविंग रूम जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। मैं यहाँ की हर एक चीज़ को बहुत ही नज़दीकी और बारीकी से देख रही थी। ज़्यादातर वुडन फर्नीचर था जिसपे नक्काशी की हुई थी और शैंडलियर भी बहुत ब्यूटीफुल था। ये जो कर्टन्स थे इन पे भी हाथ से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाले कर्टन्स थे। टोटली हेरिटेज लुक था इसका, सब पुराने ज़माने का फर्नीचर और इंटीरियर था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं लिविंग रूम के बाद ये डाइनिंग एरिया है और यहाँ से एक कॉरिडोर है जो अंदर रूम्स की तरफ जाती है। यहाँ पे चेकआउट टाइम 11 AM है और बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग चेकआउट टाइम को लेकर, आपका सामान भी बाहर फटाफट पहुंचा देते हैं। और यह यहाँ पे छोटा सा किचन है और यहाँ वॉश बेसिन है जैसा कि आप देख सकते हैं। ऊपर डेक तक जाने के लिए स्टेयरकेस है। ये कॉरिडोर से होते हुए जब हम अपने रूम की ओर बढ़े तो हमने देखा साइड में मेरे राइट साइड 3 रूम्स थे जो कि डबल बेडरूम थे। जो सबसे सेंटर में आप रूम देख रहे हैं ये हमारा रूम था, ये ट्रिपल बेडरूम था और ये सभी रूम्स में से सबसे बड़ा था। तो इन ऑल इस हाउस बोट में 3 बेडरूम्स डबल बेडरूम है और ये 1 ट्रिपल बेडरूम है। रूम का डेकोर भी बहुत ही खूबसूरत था, कर्टन्स, वॉल्स, फर्नीचर, सब कुछ एंड इवन कारपेट, एवरीथिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वॉशरूम भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। वॉशरूम में वुडन फ्लोरिंग होने की वजह से इन्होंने फ्लोर पे पानी नहीं डालने को बोला था और जो बाथ टब था वहीं पर ही नहाने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिले थे, और अदरवाइज बाथरूम वॉज वेरी क्लीन एंड हॉट वाटर वॉज अवेलेबल। और जो डबल बेडरूम है मैं उनका भी लुक दिखा देती हूँ, जहाँ ऑफ कोर्स हमने स्टे नहीं किया बट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इस तरीके का डबल बेडरूम है और यहाँ पर भी वॉशरूम ऑलमोस्ट सेम ट्रिपल बेडरूम वाले वॉशरूम जैसा ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमें गुलमर्ग से आते आते लेट हो गई थी और यहाँ डिनर टाइम 9 o'clock है, तो हमने झटपट रिफ्रेश होकर चेंज किया और आ गए अपने डिनर के लिए। डिनर बहुत ही टेस्टी था और वेजिटेबल्स की 3-4 ऑप्शंस थे, दाल थी, राइस था, पापड़, सैलड, रोटी, एवरीथिंग वाज देयर। और सबसे बड़ी बात टेस्टी था तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। डिनर के बाद हमने थोड़ी देर लिविंग रूम में बिताया और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर जो पोर्च एरिया है वहाँ पर भी रुके और खूबसूरत निगिन लेक का नाइट व्यू एंजॉय किया जो बहुत ही अमेजिंग था। अगले दिन की सुबह मेरी हुई बहुत ही खूबसूरत सन और उससे भी खूबसूरत निगिन लेक की व्यू के साथ। मैंने डेक पे जाकर कुछ देर वहाँ के सीनिक व्यूज को एंजॉय किया, आप भी कीजिए।
फिर थोड़ी देर बाद जब मैं डेक से नीचे पोर्च एरिया में आई और वहां पे बैठकर हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, तभी एक भैया कुछ सामान बेचने आए थे जो सब हैंडमेड था। उनसे मैंने कुछ कंटेनर्स और ये जो छोटी सी ट्रे टाइप के चीज़ें देख सकते हैं, और ये हैं कुछ टूथपिक होल्डर्स, इस तरीके का कुछ सामान मैंने अपने लिए और अपनों को गिफ्ट करने के लिए लिया। आई मस्ट से आपको जो भी लेना है बार्गेन ज़रूर करें। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर वहीं बैठे और चाय पर की चर्चा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे आए एक भैया और उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पे हमने तानी को कश्मीरी ड्रेस में शिकारा पे फोटोज़ खिंचवाए, और चार्जेस थे कुछ 500-600 रुपये। और भैया ने हमें सॉफ्ट कॉपी दी, हार्ड कॉपी का भी ऑप्शन था पर जिसके चार्जेस 100 रुपीज़ पर कॉपी थे, पर हमने सॉफ्ट कॉपी ही ली। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम लगभग 11 बजे चेकआउट करके बढ़ चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हालांकि जाने का तो मन नहीं था, पर ऑफ कोर्स अभी हमें दूसरी ब्यूटीफुल जगह एक्सप्लोर करनी थी जो आप देखेंगे अगले व्लॉग में।